Hey, hi guys, welcome and welcome back to my channel. My name is Bidisha and I hope you guys are doing well. And if you are watching this video right now, then please do consider to subscribe my channel. और आज के इस वीडियो में मैं करने जा रही हूँ नायका नेचुरल का ये ऑनियन एंड फेनिग्रिक शैम्पू और इस कंडीशनर का अब ब्रीफ रिव्यू. मैं ये शैम्पू एंड कंडीशनर कुछ 3 महीने से यूज़ कर रही हूँ, सो आई थॉट कि मैं अब इस शैम्पू और कंडीशनर के बारे में एक ब्रीफ ऑनेस्ट रिव्यू आप सबके साथ शेयर करूँ. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो या गाइज, फर्स्ट आई विल टेल यू माई हेयर टाइप. माई हेयर इज सुपर फ्रीजी एंड वेवी, एंड इफ योर हेयर इज मैचिंग विथ माई हेयर देन ओनली गो फॉर दिस प्रोडक्ट, अदरवाइज इट विल नॉट हेल्प यू. और प्लीज़ बेयर मी विद द बैकग्राउंड नॉइज बिकॉज आई डोंट नो, बाहर कुछ काम चल रहा है इसके वजह से कुछ नॉइज़ आप लोगों को सुनने को मिल सकते हैं. तो सबसे पहले मैं इस शैम्पू के बारे में बता दे रही हूँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. इट इज़ पैराबिन फ्री, SLS एंड SLES फ्री, क्रुएल्टी फ्री एंड 100% नेचुरल एक्टिविटी से ये बने हुए हैं. और इस शैम्पू का टेक्स्चर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है क्योंकि मैं इसको पूरा ख़त्म होने के बाद ही मैं ये रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अदरवाइज़ अगर मैं 1-2 वीक इसको यूज़ करके शेयर कर रही हूँ देन इसका कोई मतलब नहीं बनता है. 1-2 वीक में आपको पता नहीं चलेगा कि आपके बालों पे अच्छे से सूट किया है या नहीं किया है. तो आप देख सकते हो इसका टेक्स्चर कुछ इस टाइप का है, काफ़ी क्रीमी और थिक है और ये आपके बालों पे अच्छी तरीके से अप्लाई हो जाता है. और इसका स्मेल भी काफ़ी अच्छा है, आई लाइक द स्मेल. और अगर आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम है फिर भी आप ये शैम्पू को यूज़ कर सकते हो बिकॉज इट्स रियली कंट्रोल द हेयर फॉल प्रॉब्लम. और उसके बाद आ जाते हैं गाइज ये कंडीशनर के बारे में. ये अब तक का सबसे बेस्ट कंडीशनर है. मैंने लॉरियल का प्रोफेशनल कंडीशनर भी यूज़ किया हुआ है लेकिन वो इससे भी अच्छा है. ये ऑनियन एंड फेनिग्रिक कंडीशनर है, इसमें भी सेम पैराबिन फ्री, SLS एंड SLES फ्री, क्रुएल्टी फ्री और 100% नेचुरल एक्टिविटीज़ से ये बना हुआ है. और इसका टेक्सचर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ये भी काफ़ी क्रीमी सा टेक्स्चर है, थोड़ा सा थिक, हल्का सा थिक टेक्स्चर है इसका. तो या अब प्राइस के बारे में आते हैं. प्राइस इसका कुछ यहाँ पे प्राइस MRP में लिखा हुआ है 399 और यहाँ पे भी इसका MRP में 399 लिखा हुआ है क्योंकि मैंने इसको 3 महीने पहले परचेज़ किया था. तो 3 महीने पहले मुझे ये कुछ 650 अराउंड में मुझे मिला था दोनों कॉम्बो ऑफ़र में. आपको nykaa.com में ऑलवेज़ कुछ ना कुछ इसके ऊपर ऑफ़र आपको मिल जाएंगे. अभी भी नायका ऑफ़र में इसका करंट प्राइस क्या है मैं स्क्रीन पे कहीं पे टैग कर दूंगी, आप देख लेना. और ओवरऑल दिस शैम्पू इज़ अमेजिंग फॉर मी, इट्स अ बिग थम्स अप. और अगर आप कोई अच्छा सा शैम्पू ढूंढ रहे हो जो अगर आपका बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी हो गया है, आपके बाल वेवी हैं और आपने अपने हेयर में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करवाए हैं, जैसे मैंने अपने हेयर पे कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करवाए हैं, लाइक ना ही मैंने स्मूदनिंग करवाई है ना ही स्ट्रेटनिंग करवाई है, कुछ भी नहीं. सो या गाइज, दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज वीडियो. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ डू कंसिडर टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है. और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना क्योंकि अगले नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप लोगों को मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे. अब तक के लिए अपना ध्यान रखना, बाय बाय.